Bismillahirrahmanirrahim. This is another lecture on the percentage, matlab how to convert different types of matlab kis tarah hum jo hain percentage ko fraction mein, fraction ko percentage mein, ya jo hai percentage aur fraction ka ek dusre ke sath kya connection hai, ya jo fraction percentage hai, percentage ko fraction mein aur फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे. तो ये है कुछ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक डिनोमिनेटर होता है, एक नॉमिनेटर होती है. वाला डिनोमिनेटर हो गया नॉमिनेटर ऊपर, यानी 100 जो परसेंटेज जो हम हमेशा जो है डिनोमिनेटर ही में होगा, और नॉमिनेटर में जो हमारे पास यानी जो फिगर है जिसका हम मालूम कर सकते कितने वो है 100 में से, तो कहाँ पर होगा वो ऊपर यहाँ पर आएगा वो. अच्छा, इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि परसेंटेज को हम यानी किस तरह उसमें फ्रैक्शन जो उसमें कन्वर्ट कर पाते हैं. भले भी पहले हम हमारे पास था फ्रैक्शन में, उसको हमने परसेंटेज में बता रहे थे कि ना सिंपल 75% या जो है आम सिंपल से हम कह रहे थे कि 75% या 71 या 40, ये जो है आउट ऑफ 100 इसको हम किस तरह मेंशन करेंगे. तो उसके हवाले से बात की. अभी जो है कर रहे हैं कि परसेंटेज में अगर चीज़ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे ले के आएंगे. फॉर एग्जाम्पल 8% है, 58% या 79% है. तो 8% अगर हो तो मीन कि ये 8वां हिस्सा जो है 100 में से है, तो 8/100. अभी इसको काटें, इसको डिवाइड करें, इसको 2/25 जो हमारे पास ये कैसे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, बटों में जो है आ गया. अभी 85% है, इसको हम ले के आते हैं उसमें फ्रैक्शन में, तो 58/100 और इसको डिवाइड किया इस पर, तो हमारे पास आ गया 29/50. अभी 79% है, तो 79% को किस तरह ले जाएंगे फ्रैक्शन में, तो इसको 79/100, तो हमारे पास इन इसको डिवाइड कर इससे आएगा कि हमारे पास ये कितना परसेंट जो है, कितना फ्रैक्शन इसका क्या है. इस तरह जो है ये रहा परसेंटेज टू फ्रैक्शन. अभी हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज की, परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरह चले जाते हैं. अभी हमारे पास है फ्रैक्शन में ये भी है, ये भी है. अभी 2/5 है, तो इसको हम किस तरह परसेंटेज में लेके आएंगे, 2/5 × 100. 100 में इसको ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया क्या 40%. यही हमारे पास जो है फ्रैक्शन में 49/50. अभी 49/50 जो हम इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेके आएंगे, तो कैसे लाएंगे, 49/50 है तो परसेंटेज में लेके आते हैं, तो 100 हमारे पास आ गया 98%. इस तरह 81/100 हो गया, तो 81/100 × 100 = 81%. यानी फ्रैक्शन से अगर एक चीज़ को लेके आते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेके आएंगे, तो 100 में मल्टीप्लिकेशन करें देंगे उसको, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ज़रब देंगे उसको फ्रैक्शन को. और अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो फिर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 पे. परसेंटेज को हम अगर ये बात ध्यान में रखें, परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में लेके जाते हैं तो डिवाइड करेंगे 100 पे इसको, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके जाते हैं फिर क्या करेंगे, इसको ज़रब देंगे. अच्छा, इसके अलावा जो है डिसिमल में नहीं, इशारों में हम इसको किस तरह लेके जाएंगे. तो इशारों पर 79% है, 25% है. अभी इसको हम किस तरह जो है डिसिमल में, डिसिमल मीन इशारे जो है उसको हम किस तरह उसमें लेके जाएंगे. 79% है, तो 79 मीन कि ठीक है 79/100 है इक्वल टू 0.79. किस तरह, यहाँ पर अगर इसको हम 100 इसके नीचे लगाएंगे, तो डॉट जो हमारे पास डिसिमल है इसकी जगह क्या आ गया, 1 आएगा. और जो फिगर्स है हमारे पास यहाँ पे 79, इसके लिए क्या होगा, एक के लिए 0, दूसरे के लिए क्या 0, हमारे पास क्या हो गया 0.79. अभी अगर हम परसेंटेज को फिर देख के इसको दोबारा से दूसरे एग्जांपल को, उसको हम फिर से अगर हम चाहते हैं डिसिमल में लेके आएं, तो इसको डिवाइड करेंगे किस से, 100 से, तो हमारे पास आएगा जहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे डिसिमल लग गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसिमल होगा 2 के नीचे 0 और 5 के जो फिगर होते हैं उसके नीचे 0, तो हमारे पास क्या होगा ये 2.25 हमारे पास जो डिसिमल में आ जाएगा. फिर कन्वर्जन ऑफ डिसिमल इनटू परसेंटेज. अभी डिसिमल को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो डिसिमल को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम 0.67 हैं और 3.46 हैं. अभी वही डिसिमल है, इसको 100 में हम ज़रब देंगे, यानी एक में हम डिवाइड करेंगे 100 पे कन्वर्जन में, इसको गौर से देखें
अगर परसेंटेज को उसमें जिस तरह मैंने पहले परसेंटेज को डेसिमल में लेके आना है तो 100 से ज़रब देंगे। अगर उसको जो है डेसिमल से परसेंटेज में लेके जानता है जाना है तो उसको 100 में ज़रब देंगे। 67/100 इंटू 100 हमारे पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसकी जगह 1 आ गया, इसमें उनकी जगह क्या हो गए 0 0, तो इससे हमारे पास क्या हो गया 67%। अभी 3.46 हैं, तो इस तरह जो है हमारे पास ये इस पर हमने ज़रब दिया, हमारे पास आ गया ये, अभी इसमें ज़रब दिया, ये काट गए तो हमारे पास क्या हुआ 346। अभी इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसके ऊपर आप जो है प्रैक्टिस कर लें, और यहाँ पे जो है रियल लाइफ में अगर हम उससे कुछ एग्जांपल वो ले लेते हैं, अगर उसको हम स्टडी कर लेते हैं उसको उससे क्या होगा, अभी परसेंटेज का हम डेली लाइफ में किस तरह उसका यूज़ होगा। अभी 5,67,000 हमारे पास बैंक अकाउंट में, कहते हैं कि अशरफ महमूद के साथ इतने अमाउंट हैं, इसको कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ ज़कात ही वुड हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो है अगर इस पे ज़कात जो है वाजिब है तो वो कितना वो ज़कात देगा। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%। अभी 2.5% जो है उसके ज़कात का रेट रेट है, और कितने में से है, इतने में से है, तो इसका हम किस तरह ये निकालेंगे इससे कि इसमें कितने पैसे इसके ऊपर ज़कात जो है हो जाता है। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया 5,67,000। रेट ऑफ ज़कात क्या है इसी साल 2.5% है। अभी 2.5% ऑफ यही अमाउंट, तो इसमें क्या करेंगे 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे और इसको ज़रब देंगे। इसमें हमारे पास ये कट गए से यहाँ पे, फिर से जो हमारे पास 2.5 हैं ये आ गया इंटू 2.5, मतलब ये और ये रह गया 100 100, ये कट गई। अभी जो है यहाँ पे 10 था 2.5, इसके लिए हम 10 लगाएं ताकि इशारा इससे ख़त्म हो, तो इशारे ख़त्म करने के लिए 10 लगा लिए, उससे कटा इससे काटा, हमारे पास आ गया 567 इंटू 25, तो हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट 14,175। 100 जो है 175 जो है हमारे पास ज़कात का अमाउंट है, जो कि हमने यहाँ से वो इसी फार्मूला के थ्रू निकाल दें इससे। अभी दूसरा एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, शॉपकीपर आन 40% प्रॉफिट आन अ पेयर ऑफ शूज़, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पेयर ऑफ शूज़ आर 700। एक जोड़ा जूते जो हैं वो 700 के हैं, 40% उसको जो है मुनाफा मिल रहा है। अभी वो मुनाफा हम किस तरह निकालेंगे, 470 700 में जो है 40% इसका जो मुनाफा है उसको हम किस तरह निकालेंगे, तो टोटल प्राइस कितना है 700, मुनाफा कितना है 40 40, आउट ऑफ 700 हमें निकालना है, 40 को इससे डिवाइड करेंगे 100 से, 700 में ज़रब देंगे, हमारे पास जो है 7 × 40 आ जाएगा, और इससे क्या 280 रुपीज़ जो है एक पेयर ऑफ शूज़ में ये प्रॉफिट जो है कमा लेता है, जो कि क्या है 700 का 40% वो जो है बन जाता है। तो इस तरह ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं परसेंटेज के हवाले से, जिस तरह हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस भी इस तरीके से फिर हम इसके तैयार कर लेते हैं, 70% और 40% और 10%, ये सारा सब कुछ हम फिर इसी परसेंटेज के थ्रू फिर तैयार कर लेते हैं।